तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैसा कमाने का एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप महीने के लाख रुपए तक कमा पाओगे अगर पुलिस से बच गए तो। कहानी की शुरुआत होती है पैसे से। अब जीवन जीने के लिए पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास पैसे हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। एक झटके में अपने लिए एक बढ़िया स्टूडियो बना सकते हो। एक झटके में आप दुनिया के सबसे महंगे चीज को खरीद सकते हो। लेकिन इसे कमाने के दो तरीके हैं, पहला धोखाधड़ी और दूसरा मेहनत। मेहनत वाला जो रास्ता है वो बहुत कठिन होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे क्रिएटर्स। मैं उन क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा जो हमारी तरह मेहनत करके बनाते हैं, मैं उन क्रिएटर्स की बात करता हूँ जो इंस्टाग्राम पर एड लगाते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं और जो अपने कोर्स बेचते हैं झूठे वाले, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को धीरे धीरे धीरे। क्या ना का मतलब यह है कि मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा ताकि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके दिमाग में एक चीज तो पता चल जाएगा कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं। और इस वीडियो में मैंने सिंपल से दो तीन पॉइंट्स को रखा है जिसमें सबसे पहला आता है गेमिंग से पैसे कमाना, दूसरा होता है ट्रेडिंग से पैसे कमाना और इन दोनों पॉइंट के अलावा जो सबसे जबरदस्त है इंस्टाग्राम से पैसे कमाना। आप लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा तो और बिना वीडियो को खींचे हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होता है गेमिंग से। तो सबसे पहले आप इस लड़के का वीडियो को देखो। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। अब इस वीडियो को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये लड़का वो है जिसने अंध गेमर्स की आंखें खोल दी। जैसे अंध भक्त होते हैं उसी तरीके से अंध गेमर्स हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी अब इस वीडियो में हुआ क्या था, इस लड़के के ऊपर 96 लाख नहीं यार लगभग 1 करोड़ का कर्ज था। और यह स्टार्टिंग कैसे हुआ, इसने जब एक पत्रकार लोगों के बीच सर्कुलेट कर रहे थे तब एक लड़का सामने आता और वो कहता है मेरे ऊपर इतने लाख रुपए का कर्ज है, 96 लाख रुपए, 96 लाख का कर्ज है। उसकी मम्मी एक टीचर है, एक अच्छे वेल्थी फैमिली से वो आता है, बावजूद उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है लेकिन उसको कोई उसके लिए कोई सपोर्ट में आगे आ नहीं रहा है। देखो यार एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने मेहनत से पैसे कमाए हैं तो वो अगर किसी के घर का बेटा अगर निकम्मा निकल जाता है चाहे वो कोई भी हो और माँ बाप एक हद तक ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि उन्हें और भी आगे दुनिया है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने बेटे पर लुटा देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत होती है यहीं पर, वो कहता है कि मुझे अगर मैं मर भी गया तो माता पिता नहीं आएंगे। उसका ये जो वीडियो है गेमिंग से रिलेटेड था और ये बहुत गजब का सर्कुलेट हुआ और ये ऐसा सर्कुलेट हुआ कि जो हमारे पॉडकास्टर्स होते हैं उन तक ये लड़का पहुंच गया। अब देखो उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा यहाँ पर डिफाइन करूँ कि वो क्या करते हैं लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि जब वो पॉडकास्टर के पास गया तो उसे लोग पैसा देके कह रहे थे यार थोड़ा रो करके दिखाओ, थोड़ा रो करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि व्यूज आएंगे ना। अब आप लोग को तो ऐसे कोई हंसता हुआ इंसान अच्छा लगेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा इमोशन बटोरने के लिए ताकि उसकी बात को आप सुनो। लेकिन उस लड़के ने पता है सबसे जबरदस्त बात क्या कही थी कि गेमिंग एप्लीकेशन बंद होने चाहिए क्योंकि ये गेमिंग एप्लीकेशन बल्कि एक स्कैमिंग एप्लीकेशन होते हैं। अब जैसे कि ये स्कैम कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ, अब उसी की जुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। स्टार्टिंग कैसे होता है, आपने किसी गेम को इंस्टॉल किया और स्टार्टिंग में उस गेम में क्या हुआ होगा, आपने 10-5 रुपए ऐड किए होंगे, 100-150 ऐड किए होंगे, स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट पेज तक मिला होगा, 200-300 का आपने प्रॉफिट किया और ये 200-300 आपके सपने को निखार देंगे। आपको लगेगा कि यार हमने 200-300 कमा लिया तो हम 2000-3000 कमाएंगे। बेशक 2000-3000 भी आप कमा लेते हो, उसके बाद स्टार्ट होता है 2 लाख-3 लाख वाला सफर और यहीं पर होता है। वो गेमिंग एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि सबसे पहले वो करते क्या है कि आपको पहले आदत लगवाते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस डायलॉग है कि इनको फ्री का खाने का आदत लगने दो। और हमारे अंबानी जी ने क्या किया था, जब जियो मार्केट में आया था तो सबके पास अपने अपने सिम कार्ड्स थे लेकिन लोगों ने जियो के सिम कार्ड क्यों लिए, पहले फ्री का लत लगने दो। और जब फ्री का लत लग गया तो स्टार्टिंग कितना से हुआ था, 344 रुपए में 3 महीना, 444 में 3 महीना और आज कितना है, 1000 में 3 महीना। और इनका 3 महीना कितने दिन का होता है, 86 दिनों का, यानी 1 महीना 28 दिन का इनका होता है। इनका अलग ही महीना चल रहा होता है, 1 महीने में 30 दिन इनका होता नहीं है। ये भी एक अलग स्ट्रैटेजी है ताकि ये एक साल में 12 महीने को काट करके अपना एक अलग यूनिवर्स बना सके 13 महीनों वाला, आप समझ रहे हो ना। तो गेमिंग एप्लीकेशन भी कुछ इस तरीके से है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो रिलेट कर पा रहे हो कि किस तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन वाले भी आप लोगों का काट देते हैं। और सच पूछो तो उस लड़के का पता आखिरी बात क्या कहना था कि गेमिंग एप्लीकेशन बंद होना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को पता है और हर किसी को पता है ये गेमिंग एप्लीकेशन बंद नहीं होगा क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी टैक्स जाते हैं
और सिर्फ हम और आप नहीं, ये लोग अच्छा खासा पे करते हैं। इवन अमित बड़ाना का एक वीडियो आया था, उसमें अमित बड़ाना को ये कहा गया था कि आप हमारे गेमिंग चैनल को प्रमोट करो, हम आपको दुबई में प्रॉपर्टी देंगे। आप सोचो यार, ये गेमिंग चैनल वाले कितना कमाते हैं। पर देखो, गेमिंग एप्लीकेशन वालों का हर हालत में फायदा ही होता है, होता है वो मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि 100 लोगों की टीम है और 100 लोगों से कलेक्ट किया हुआ पैसा 10,000 रुपए है और विनिंग अमाउंट मान लो 5,000 रुपए है, और 5,000 रुपया किसी दो बंदे में भी अगर बांटना पड़ा तो दो लोग से तो प्रमोशन का हो ही रहा है और बाकी जो छोटे मोटे हैं वो तो अपना पैसा लगाएंगे ही। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि गेमिंग का स्कैम कैसे किया जाता है, तो यार थोड़ा समझदार बनो और इन चीजों से ऊपर उठो। और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, अगर इसे इंस्टाग्राम खोल दोगे तो इंस्टाग्राम फट जाएगा, जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग, जो आज के टाइम में हर छोटा बड़ा यूज कर रहा है, मतलब जिससे लगता है कि मैं रातों रात ट्रेडर का बादशाह बन जाऊंगा। अगर ट्रेडिंग का भी जो बैकग्राउंड है बहुत खास अच्छा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको बहुत माइंड की जरूरत है, और यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर के यार जो स्कूल तक अभी सही से नहीं किया होगा, जो अपना इंटर तक कंप्लीट नहीं किया होगा, जिससे अगर मैथ में अगर 9 का पहाड़ा कूद दो तो वो 9 का पहाड़ा सही से ना बता पाए, वो लड़का क्या करता है कि अपना ट्रेडिंग का सेटअप दिखाता है, रील्स बनाता है, वो गाड़ी ले लेता है। यार तेरे पास समय कहाँ से इतना आ रहा है कि तू ट्रेडिंग करते हुए अपना रील्स को एडिट कर रहा है। अगर आप लोग इन चीजों को समझो, ये बेसिकली आप लोगों को एंगेज किया जा रहा है, आप लोगों के चीज में फंसाया जा रहा है, क्योंकि हकीकत पता है क्या है, ये पैसा ट्रेडिंग से नहीं कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं अपने कोर्स को बेचकर, ये पैसा कमा रहे हैं अपने वीडियोस को बेचकर, ये इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि हकीकत तो ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए आता, या फिर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके पास वीडियोस बनाने का टाइम नहीं होता है, वो व्लॉग नहीं बनाते हैं, वो अपना 99% फोकस ट्रेडिंग पर रखते हैं, उन्हें अपना ग्राफ देखना होता है, उन्हें अपना एनालाइजिंग देखना होता है, बहुत तरह की चीजें होती है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, इंटरनेट का भ्रम वाला दुनिया है, यहाँ पर ट्रेडर जो है रीलर बन चुके हैं, उन्हें व्लॉग बनाना है, उन्हें अपना शो ऑफ दिखाना है। यार तुम कैसे ये सब कर लेते हो, तुम प्रो प्लेयर हो यार, तुम ट्रेडिंग के नाम पर कोर्स बेच करके 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ का फायदा कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग के नाम पर ट्रेडिंग का कोचिंग खोल ले रहे हो और तुम कह रहे हो कि इतना फायदा करवा देंगे। हकीकत पता है क्या, क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग कितना रुपया का स्टार्टिंग करोगे तो आपका मंथली कितना बनेगा, ये पता है आपको? आपने कभी एक एवरेज निकाला है कि आप कितने लाख रुपए का, कितने हजार रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतना एवरेज अमाउंट पर मंथ आपका बनेगा, कभी सोचा है? एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग के दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने मोटा पैसा लगाया, जिन्होंने 1-2 करोड़ इस तरीके से पैसा लगाया है, उन्हीं लोगों को सक्सेस मिला है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जो माहिर ट्रेडर है, उनके वीडियोस आप देख जाकर के सुनो, वो क्या बोलेंगे जो 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, 2-3 करोड़। आपको क्या लगता है कि ये 1-2 करोड़ एक दिन में कर देते हैं? नहीं, अगर कोई इंसान 2-3 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने जान की बाजी लगा रहा है, वो उस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो डूब गया तो कहानी खत्म। यार अगर आपकी एवरेज सैलरी अगर 15,000 रुपए है या 10,000 रुपए है और आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो, इससे अच्छा आप SIP स्टार्ट कर दो, आपको उसमें अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा है, आप ट्रेडिंग को पूरा सीख चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से, तो आप ट्रेडिंग करो। मैंने ऐसे ऐसे भी कहानियां सुनी है, जो एक टीचर था जिसने, जो मैथ का टीचर था जिसने ट्रेडिंग से सोचा था कि लॉकडाउन में अपने परिवार को संभाल लेगा, वो इंसान कर्ज पे कर्ज लेता रहा और हालात कुछ ऐसे हो गए कि उसके ऊपर मार्केट से 1 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और उसे अपने पूरी फैमिली के सहित उसे अपना जान देना पड़ा। क्योंकि कर्जदार तो कर्जा लेंगे ही, उन्हें थोड़ी पता है कि, या उन्हें थोड़ी इस बात की जानकारी कि आप पैसे क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने मांगा उन्होंने दिया, उनका बिजनेस है ये चीज है। तो ये कहानी कुछ ऐसे चलता है। कहानी इतना पर ही खत्म नहीं होता, कुछ ट्रेडिंग के गुरु भी हैं जो कि ट्रेडिंग के गुरु के नाम से जाना जाते हैं, और ये लड़का जो है हर बार इंटरव्यू लेता है, ट्रेडिंग के बारे में प्रमोशन करता है, प्रचार प्रसार करता है बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या आपने इसका कभी ट्रेडिंग का डेटा देखा है कि ये ट्रेडिंग से कितना कमाता है? ये दिखाई पड़ेगा आपको अगर आपने कभी इसका डेटा देख लिया तो। हकीकत में ये लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते हैं, ट्रेडिंग का हाइप बनाते हैं और अपने कोर्स को बेचकर पैसा कमाते हैं। क्या 9 रुपए में कोई ट्रेडिंग कर सकता है? कभी सोचा है आपने? कभी नहीं कर सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहां से आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट होंगे नो डाउट, लेकिन एट द एंड आपको डाउन ही जाना पड़ेगा। जिस टाइम आपने 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए है, खत्म ब्रो, कुछ होने वाला चीज नहीं है, आप वहां से उठ ही नहीं सकते हो। और रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, स्क्रॉल कर रहा था तभी मुझे एक अकाउंट दिखाई पड़ा और इस स्कैम के बारे में समझो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। अक्सर का मैंने यहाँ की वीडियो देखा और यहाँ पर ये अपने
प्रमोट कर रहे थे खुद को कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कोर्स इनका खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल सही था। मुझे पता नहीं था कि इनका इंस्टाग्राम का चैनल है, इनका इतना सब्सक्राइबर है, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके का इनका प्रोफाइल दिखता है और इनका इतना फॉलोवर्स है। लेकिन पता है कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, लोगों ने स्कैमर्स ने इनके वीडियोस को डाउनलोड किया, अपना एक अलग पेज बनाया, मेल आईडी बनाया और उसके बाद जो है इनके वीडियोस को अपने ऐड में रन कर दिया और डिमांड क्या कर रहे हैं 2000 रुपया। तो मुझे स्कैम का पता कैसे लगा, तो सबसे पहले मैंने इनके नंबर पर मैसेज किया, तो मतलब जो स्कैमर था उसके नंबर पर मैंने मैसेज किया, उधर से मुझे क्यू आर कोड आया, हालांकि मैंने पेमेंट किया नहीं, आज तक मैंने इंटरनेट पर 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है और आप लोग भी मत करना अगर सेफ रहना चाहते हो तो। उसके बाद जो है मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया और अगले ही दिन जो फोटो लगा हुआ था दीपक सर का वो फोटो उड़ चुका था और किसी और का फोटो था। और जब मैंने इंस्टाग्राम खोला मल्टीपल अकाउंट्स में सेम वीडियो रन कर रहा था अलग अलग अकाउंट से। अब आप बताओ ये स्कैम नहीं है तो क्या है? इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऐड पॉलिसी लॉन्च की कि जो कोई भी ऐड रन करेगा वो जो है सबसे पहले रजिस्टर करेगा कि वो क्या ऐड रन कर रहा है, तभी वो लीगल माना जाएगा। और ये लोग जो स्कैमर्स है इन लोगों के लिए ये ऐड लाया गया है। हाँ, इनके चक्कर में जो नए लोग हैं उनको भी परेशानी हुई है तो वो मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोज में। तो यहाँ तक तो था गेमिंग से, ट्रेडिंग से और इंस्टाग्राम से किस तरीके का जो है स्कैम चल रहा है। और एक जो सबसे वायरल स्कैम है वो है रियान वेदिक के नाम से। अब ये रियान वेदिक कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इस रियान वेदिक के नाम से मल्टीपल इतने ऐड चलते हैं इंस्टाग्राम पे, इतने ज्यादा ऐड चलते हैं। और वो पता है क्या करते हैं, वो एक का डबल नहीं करते हैं, ये अनुराधा नहीं है, 40 दिन पहले डबल नहीं करेंगे, वो एक दिन में डबल करेंगे। पता है कैसे? वो अपना डबल करेंगे, आप उसे भेजोगे 100 रुपया, आपका नंबर ब्लॉक, कोई रिस्पॉन्स नहीं और आपको जो है कोई हवा तक नहीं लगेगा। ये ऐसा होता है। अब आप ही सोचे यार, अगर आप किसी को 200 रुपया दे रहे हो, 100 रुपया दे रहे हो, वो आपको 7000-5000 रुपया देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन लोग मूर्ख बन रहे हैं, इनका धंधा चल रहा है, इनका घर चल रहा है और किसी को उल्लू बना के पैसे अटना ये काम ये बहुत बखूबी से जानते हैं। लेकिन अगर आप लोग समझदार हो, मैं मानता हूं कि आप लोग समझदार हो, मैं समझ रहा हूं आप समझदार हो, लेकिन जो समझदार नहीं है उनके लिए वीडियो भेजिए ताकि वो अपने समझदारी को निकाल सके और इन फेक स्कैमर्स से दूर हो सके। ये तो वही वाला बात हो गया कि कुछ साल पहले जो है एक फोन कॉल आता था और कहा जाता था कि आपको केबीसी की तरफ से 25 लाख का लॉटरी लगा है और मिलता क्या था, 25 रुपया भी नहीं। स्कैमर जो है नए नए तरीके से स्कैम करेंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस बैंक में आपका खाता है वो आपको इंटरेस्ट बहुत हिसाब से देती है, 2.5%, 3%, 4.5%, वो बैंक आपको उतना पैसा नहीं देता भी है, तो ये इंटरनेट से आपको क्या ही पैसा मिलेगा। इसीलिए मेहनत से कमाने पर ध्यान रखिए, अपना बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए, भगवान का नाम लेकर के अच्छे विचारों पर चलिए, इन स्कैमर्स के फेर में और पैसे को डबल करने के चक्कर में ना रहे। ये वीडियो यहीं तक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन तक ये वीडियो भेज देना ताकि वो अपना आपको बचा सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।